खबरों में आगे बढ़ते हुए शिमला से अहम खबर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दरअसल अपने भाषण में भारत को भूखे नंगों का देश बता दिया। चौपाल में स्वास्थ्य मेले में वो भाषण दे रहे थे। सोशल मीडिया पर उनका ये बयान अब वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में कई आपत्तिजनक बातें कही, जिसे उन्होंने साफ तौर पर एक भाषण के दौरान एक मंच से कहा। चौपाल में वो भाषण दे रहे थे स्वास्थ्य मेले में, और इस दौरान उन्होंने भारत को भूखे नंगों का देश बताते हुए कई ऐसे उदाहरण दे दिए जिस पर शायद आपको गुस्सा भी आएगा और आक्रोश इस बात का, क्योंकि खुद की सरकार होते हुए अगर कोई सरकार का नुमाइंदा इस तरह की भाषण दे रहा है, इस तरह की बात कह रहा है, उसके मायने क्या है। शिमला से बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत को भूखे नंगों का देश बताया है। चौपाल में स्वास्थ्य मेले में वो भाषण दे रहे थे। सोशल मीडिया पर अब उनका ये जो बयान है ये वायरल हो रहा है। कई क्षेत्रों में जाकर बाहर प्रदेशों में देखा है और किस प्रकार के लोग जो हैं, तन पर कपड़ा नहीं होता है, जूता तो कभी देखा ही नहीं। तीन तीन महिलाएं अंदर बैठी हैं, झोपड़ी में बैठी हैं, और केवल मात्र एक महिला के पास तन कपड़े तन पर जो है वो ढकने के लिए जो है वो कपड़ा है, बाकी दो महिलाएं नग्न बैठी हैं। किसी ने बाहर जाना, घर से बाहर निकला है तो वो दो नग्न रहेंगी और एक जो है कपड़ा ओढ़ के फिर बाहर जाती है। वास्तविकता है इस देश की। इस देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है, शाम को जो रोटी नहीं इनके पेट में जाती है, भूखे सोते हैं। 22 करोड़ कम आंकड़ा नहीं है, इतनी गरीबी है। कई क्षेत्रों में जाकर बाहर प्रदेशों में देखा है और किस प्रकार के लोग जो है तन पर कपड़ा नहीं होता है, जूता तो कभी देखा ही नहीं। तीन तीन महिलाएं अंदर बैठी हैं, झोपड़ी में बैठी हैं, और केवल मात्र एक महिला के पास तन कपड़े तन पर जो है वो ढकने के लिए जो है वो कपड़ा है, बाकी दो महिलाएं नग्न बैठी हैं। किसी ने बाहर जाना, घर से बाहर निकला है तो वो दो नग्न रहेंगी और एक जो है कपड़ा ओढ़ के फिर बाहर जाती है। वास्तविकता है इस देश की। इस देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके घर में शाम को चूल्हा नहीं जलता है, शाम को जो रोटी नहीं इनके पेट में जाती है, भूखे सोते हैं 22 करोड़। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, ये बयान जो वायरल हो रहा है, इस बयान के क्या मायने? शारदा, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बयान है ये चौपाल पे नहीं, रोहतक पे एक स्वास्थ्य मेले को के इनॉग्रेशन के बाद वो जनता को संबोधित करते हुए